हेलो स्टूडेंट स्वागत है एक बार फिर से आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली तीन दशमलव एक के सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं चैप्टर थ्री के इंट्रोडक्शन का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के, के द्वारा उस वीडियो को जरूर देखें तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं प्रश्नावली तीन दशमलव एक का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है आबयू ए दे दिया है या देखिए एक दो तीन तीन पंक्तियां हैं और स्तंभ कितने है एक दो तीन चार तो यह एक तीन गुड़े चार का क्या है मैट्रिक्स है तो पहला क्वेश्चन भी आपका पूछ रहा है कि आबयू की कोटि क्या होगी तो आभियों की कोटि क्या होता है कि पंक्तियों की संख्या गुड़े स्तंभों की संख्या तो एक दो तीन इसका पंक्ति कितना है तीन है स्तंभ एक दो तीन चार तो तीन गुड़े चार यानी पहले का आपका आंसर क्या आ जाएगा इसका कोटि क्या होगा तीन गुड़े चार होगा ठीक है अवयवों की संख्या तो अवयवों की संख्या हमेशा फार्मूला याद कर लीजिए एम इन क्या होता है एन तो तीन गुड़े चार तीन चौको क्या आ जाएगा बारह यानी कि अवयवों की संख्या यही क्या बोले जाते हैं ये जितने आप देख रहे हैं सब क्या अवयव हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह यानी अवयवों की संख्या याद कर लेंगे एम इन टू क्या होता है एन यानी पहले का दूसरा आपका हो जाएगा ट्वेल्व फिर क्या कह रहा है कि अवयव याद करने ए वन थ्री ए टू वन ए थ्री थ्री ए टू फोर ए टू थ्री तो ध्यान देंगे आपको बताया गया था कि इसे बोलते ए वन वन इसे बोलते ए वन टू ऐसे ही हम एलिमेंटों को क्या करते हैं डिनोट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए आई जे आई को बोलते हैं पंक्ति और जे को क्या बोलते हैं स्तंभ तो ए वन थ्री यानी कि पहले पंक्ति का तीसरा पहला पंक्ति और तीसरे स्तंभ का एलिमेंट तो पहला पंक्ति और उसका तीसरा एलिमेंट तो तीसरा एलिमेंट मतलब तीन क्या शो कर रहा है उसके स्तंभ को तो ए आई थ्री ये आपका मतलब ए वन थ्री ये क्या हो जाएगा नाइनटीन हो जाएगा फिर क्या कह रहा है ए थ्री थ्री ए थ्री टू वन तो हो गया ए टू वन निकालना है दूसरे पंक्ति का पहला एलिमेंट तो ये क्या आपका होगा ये हो जाएगा थर्टी फाइव ठीक है और फिर क्या कह रहा है ए थ्री थ्री यानी तीसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट तो तीसरा पंक्ति आपका पहला दूसरा तीसरा ये ए आपका हो जाएगा फाइव क्या है माइनस फाइव ए टू फोर दूसरे पंक्ति का चौथा एलिमेंट ये आपका दूसरा है और इसका चौथा है यानी ए टू फोर क्या हो जाएगा ट्वेल्व और ए टू थ्री मतलब दूसरी पंक्ति का तीसरा एलिमेंट तो दूसरे पंक्ति का तीसरा एलिमेंट आपका क्या है 2. यहां पे क्वेश्चन नंबर टू है कह रहा है यदि किसी में चौबीस अवयव है तो इसकी संभव कोटिया क्या है यदि इसमें तेरह अवयव हो तो इसकी कोटिया क्या है और वैसे सेम क्वेश्चन नंबर थ्री भी है तो देखते हैं इसका तो क्वेश्चन आपका लिख लिया गया है यहाँ पे आ, कि जब आबु में चौबीस अवयव हो कितने अवय चौबीस अवयव जब है तो क्या इसका लिए? संभव कोटिया ध्यान देना। कोटियों की संख्या आपको बताया गया कि m m क्या होता है n और m into n की वैल्यू टोटल आपको क्या लेना है फोर्टीन लेना है m इंटू एन की वैल्यू क्या लेना है ट्वेंटी फोर तो ये हो सकता है वन इंटू ट्वेंटी फोर यानी एक पंक्ति और चौबीस स्तंभ हो फिर क्या होता है टू इंटू ट्वेंटी मतलब दो में बारह का गुड़ा करेंगे चौबीस यानी उसी का समझिए फैक्टर लिख देना है फिर तीन गुड़े क्या हो सकता है एट हो सकता है फिर क्या हो सकता है छः गुड़े चार हो सकता है ठीक है इसी प्रकार से फिर हम देखें तो ट्वेल्व इंटू टू हो सकता है फिर इसी का अपोजिट हम लिख सकते हैं एट इंटू थ्री हो सकता है फोर इंटू क्या हो सकता है सिक्स हो सकता है फिर ट्वेंटी फोर इंटू वन हो सकता है ठीक है और आप इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं सिक्स इंटू फोर लिख सकते हैं तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे चौबीस अवयव है तो इनकी संभव कोटियां हो सकती है ठीक है एक बार फैक्ट्री सा चेक कर लेंगे जो भी फैक्टर होगा आप ऐसे लिख सकते हैं यानी दोनों का प्रोडक्ट एम एन का प्रोडक्ट करने पे चौबीस आना चाहिए फिर दूसरा आपका इसी में कह रहा था जब तेरह अवयव हो, हो तो क्या कोटियां हो सकती है तो यहाँ पे दो संभव कोटियाँ सिर्फ है जब तेरह अवयव हो तो या तो एक गुड़े तेरह होगा एक पंक्ति और उसके तेरह स्तंभ हो या तो ये थर्टीन इंटू वन कि सिर्फ तेरह पंक्ति और एक स्तंभ हो तो ये दो संभव कोटियाँ हो सकती हैं इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर थ्री में कह रहा है कि जब अब में अठारह अवयव हो तो इसकी कोटियाँ क्या होगी तो ये पहले हो सकता है वन इंटू एटीन यानी देखिए एक पंक्ति और आपको बताया कि ए आई जे होता है स्टैंडर्ड फॉर्म और पंक्तियों मतलब टोटल अवयवों की संख्या हम कैसे निकालते हैं एम एन से ठीक है तो ये हो सकता है फिर अगर देखें तो क्या हो सकता है टू इंटू नाइन हो सकता है थ्री इंटू सिक्स हो सकता है ठीक है और क्या हो सकता है आपका फोर के टेबल में तो आएगा नहीं नाइन इंटू टू हो सकता है अब बाकी इसी के अपोजिट को लिख दीजिए अब क्या हो जाएगा एट्टीन क्या हो सकता है वन हो सकता है फिर नाइन इंटू टू हो सकता है ये तो आप लिख ही दिए हैं छोड़ देंगे इसको सिक्स इंटू थ्री हो सकता है फिर ऐसे यानी आपकी ये संभव कोटियां हो पा रही हैं ठीक है देख लेंगे बढ़िया से इसको और फिर कह रहे हैं कि जब पांच अवयव हो तो पांच अवयव होगा तो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है ये फाइव इंटू वन हो सकता है और वन इंटू क्या हो सकता है फाइव क्वेश्चन नंबर फोर आपका है कह रहा है एक दो गुड़ी दो आप यू आई जे की रचना की प्रकार से प्रदत्त हैं इसमें तीन क्वेश्चन है सिर्फ आपको पहला बताया जाएगा और बाकी सेम इसी पैटर्न पे दूसरा और तीसरा है तो पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है आपको क्या करना है दो गुड़े दो आब्यू का रचना करना जिसका जनरल फॉर्म ए आई जे है ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका लिख लिया गया है ए आई जे इक्व टू आई प्लस जे इन टू टू दी तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कोटि इसका दे दिया है कोटि क्या दिया आपको दो गुड़े दो का एक आव्यूह बनाना है तो अगर हम ध्यान से देखें पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें तो दो गुड़े दो का आव्यूह अगर हम बनाएं तो उसमें क्या क्या, क्या एलिमेंट चाहिए उसमें चाहिए ए वन वन चाहिए फिर ए वन टू चाहिए फिर ए टू वन ए टू टू ए आपका हो गया दो गुड़े दो का क्या आव्यूह यानी ए वन वन निकालना है ए वन टू ए टू वन ए टू टू ठीक है तो सबसे पहले ये आपको क्या निकालना है वन वन लिखेंगे नाउ यहाँ से निकाल लीजिए ए वन वन मतलब आई की वैल्यू भी वन लेना है जे की वैल्यू भी क्या लेना है वन तो यहाँ पे रखेंगे आई की वैल्यू आपका क्या है वन है और जे की वैल्यू भी क्या ले रहे हैं वन और यहाँ पे ऊपर आपका स्क्वायर होगा बाई टू तो वन वन क्या हो जाएगा टू टू का स्क्वायर बाई टू यानी कि ए वन वन की, की वैल्यू आ जाएगी टू टू जब फोर बाई टू एक कट गया आपका क्या गया? A11 आ गया टू ए वन वन आ गया टू एंड इसी प्रकार से निकालेंगे ए टू टू सॉरी वन टू पहले निकाल लेते हैं क्योंकि वन टू भी चाहिए हमको इसका मतलब है आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू टू तो फार्मूला आपका इन दिया है आई प्लस जे बाई टू और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर है तो वन प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू यानी कि आपका ए वन टू की वैल्यू वन टू टू वन थ्री 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 ज नाइन नाइन बाई क्या हो जाएगा आपका टू ये कटेगा ही नहीं अब क्या निकालना है आपको ए टू वन क्या निकालना है ए टू वन तो यहाँ से निकालेंगे ए टू वन यानी आई की वैल्यू टू और जे की वैल्यू आप क्या रहे हैं रख रहे हैं वन तो फार्मूला यही है आई प्लस जे का स्क्वायर बाई टू आई के जगह पे टू प्लस वन का होल स्क्वायर और बाई टू तो टू वन क्या हो जाएगा थ्री 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 या नाइन बाई टू फिर वही आ गया एंड लास्ट में आपको क्या निकालना ए टू टू आई की वैल्यू भी टू और जे की वैल्यू भी टू तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू तो टू प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू दो चार चार चौकू आपका हो जाएगा सोलह बटे दो इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा आठ अतः आपका जो आब हो जाएगा आबयू क्या था एक्व टू दो गुड़े दो का ए वन वन ए वन टू ए टू वन एंड ए टू टू वैल्यू को पुट करिए यहाँ पे देखिए ए वन वन की वैल्यू ऊपर क्या दे रखा है टू हमने निकाला है फिर ए वन टू ए वन टू ये क्या निकाला था नाइन बाई टू तो लिख लेंगे फिर यहाँ भी नाइन बाई टू ए जो टू वन आया था ये भी नाइन बाई टू और ए टू टू की वैल्यू क्या दे रखा था ये तो बहुत ही सिंपल है आई होप आप आप दो पार्ट जो है उसको कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव आपका है एक तीन गुड़े चार अभियुग की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं तो यहाँ भी आपको टोटल दो पार्ट दिए हैं तो पहला पार्ट ही आपको बताया जाएगा तो यहाँ पे तीन गुड़े चार का अवयुग बनाना है तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हमको क्या क्या एलिमेंट निकालना पड़े देख लेंगे यानी तीन पंक्ति रहना चाहिए और चार स्तंभ तो ये होगा ए वन वन ए आपका होगा वन टू ए वन थ्री फिर ए टू वन और यहाँ पे सॉरी चार स्तंभ तो एक दो तीन चार ए वन फोर ठीक है ये हो गया फिर ए टू टू ए टू थ्री एंड ए टू फोर ये दूसरा पंक्ति हो गया तीसरा क्या होगा ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री ए थ्री फोर तो एक पंक्ति दो पंक्ति तीन पंक्ति एक स्तंभ दो स्तंभ तीन स्तंभ चार स्तंभ यानी इसका कोटि क्या हो जाएगा तीन गुड़े चार तो इतने एलिमेंट आपको इस इंफॉर्मेशन की सहायता से क्या करना है निकालना है तो पहले एक एक, एक एलिमेंट निकालेंगे पहले ए वन वन मतलब कि आई की वैल्यू भी वन लेना है और जे की वैल्यू भी क्या लेना है वन तो ये पहले पंक्ति का पहला स्तंभ इसे बोल सकते हैं आप तो ये होगा ध्यान से देखेंगे वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ देखिए आई तीन एक नम तीन प्लस जे की वैल्यू भी तीन यानी कि वन बाई टू ध्यान देंगे तीन में से एक को घटाएंगे माइनस टू और मॉड से जब बाहर निकालते हैं तो मॉड से बाहर क्या आता है पॉजिटिव यानी कि आपका एक क्या मिल जाएगा वन ध्यान देंगे आई की वैल्यू तीन एकन तीन हो गया और जे की वैल्यू भी वन तो माइनस थ्री में से वन को सब टेक करेंगे तो मार्ड आएंगे? आएंगे। सारे सारे है? तो है तो तीन एकनम आपका हो जाएगा तीन और यहां पे दो तो तीन दो आपका क्या हो जाएगा तीन में से दो को घटाएंगे एक प्लस है माइनस तो ये ध्यान देंगे माइनस वन और इसको मार्ड से निकालेंगे प्लस तो वन बाई टू इंटू वन इसकी भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा वन बाई टू इसी प्रकार से ए वन थ्री निकालेंगे क्या निकालेंगे ए वन थ्री आई की वैल्यू वन और जे की वैल्यू क्या लिखना है थ्री तो ये हो जाएगा थ्री वन या थ्री और यहाँ पे क्या रख रहे हैं जे की वैल्यू थ्री रख रहे हैं तो वन बाई टू थ्री में से थ्री को घटाएंगे तो आ जाएगा जीरो यानी मॉड ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी तो वन बाई टू में जीरो का मल्टीप्लाई किसी में भी होगा वो क्या आ जाएगा जीरो एंड लास्ट में आपको पहले पंक्ति का लास्ट एलिमेंट वन फोर यानी कि वैल्यू तो आई की वही है जे की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना है फोर रखना है तो वन बाई टू चार में से तीन ये प्लस है यानी कि वन बचेगा तो मोड से बाहर निकालेंगे वन ही होगा यानी कि ये भी क्या आ गया वन बाई टू ठीक है इसमें एलिमेंट ही निकालने में थोड़े से टाइम लगेगा तो ऐसे ही आपको करना क्या है सारे के सारे एलिमेंट निकाल के और इसी में रख देने हैं यही आपको तीन गुड़े चार का तो आई होप आपको पैटर्न समझ आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर सिक्स है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करने हैं यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पहला आपका दिया है फोर थ्री एक्स फाइव और इसके इक्वल एक और मैट्रिक्स है एक और आबी हुआ है फोर वाई जेड वन फाइव तो जब ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के दोनों आब्यू एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसके सारे एलिमेंट भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे इक्वल तो फोर की जगह पे क्या दे रखा है वाई यानी कि यहाँ से कंपेयर जब करेंगे तो वाई की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा ठीक है फिर थ्री की जगह जेड यानी कि जेड की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा एंड बचा क्या एक्स की वैल्यू एक्स यहाँ पे और यहाँ इसके राइट साइड में वन है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वन याद रखेंगे कि दो मैट्रिक्स अगर एक दूसरे के दो आभिय एक दूसरे के इक्वल हैं, तो उसके सभी एलिमेंट भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल तो इसकी सहायता से x, y, जेड की वैल्यू फाइंड हो गया दूसरा है एक्स प्लस वाई टू, प्लस जेड एक्स इंटू वाई जीव टू दे रखा है सिक्स टू फाइव एट तो यहाँ क्या आपको मिल जाएगा यहाँ एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा सिक्स इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पे दो दो इसको छोड़ देंगे हमको एक्स वाई जेड निकालना है तो कंपेयर भी उसी एलिमेंट को करेंगे फाइव प्लस जेड इक्व टू क्या होगा फाइव प्लस जेड इक्व टू फाइव क्योंकि पहला एलिमेंट है दूसरे और ये तो फाइव से फाइव कैंसिल यानी जेड की वैल्यू क्या आ गया जीरो तो एक वैल्यू मिल गया आपको जेड एंड एक्स इंटू वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा एट तो एक्स इंटू वाई इक्व टू एट तो यहाँ से या तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में या तो वाई की वैल्यू एक्स के टर्म में एक्स इज इक्व टू एट बाई वाई इसे क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड अब लिख दीजिएगा समीकरण एक से कहा से समीकरण एक से समीकरण एक आपका है x प्लस वाईक्स टू क्या दे रखा है सिक्स अब यहाँ पे करना क्या है x की वैल्यू आपने क्या रखा है निकाल रखा एट वाई यही आपको पुट कर देना है ठीक है अब नीचे वहां लिखेंगे एलसीएम लेंगे तो y आएगा एट प्लस वाई का वाई मल्टीप्लाई होगा वाई स्क्वायर इज इक्व टू सिक्स नीचे वहां लिख सकते हैं अब इसका क्या करना है आपको क्रास मल्टीप्लाई ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस एट और सिक्स का वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सिक्स वाई अब ये बन गया आपका द्विघात समीकरण इसको क्या करना है फैक्टर प्लस इधर भेजेंगे तो माइनस सिक्स वाई प्लस एट इज इक्व टू जीरो इसका जब आप फैक्टर करोगे तो वाई एंड माइनस आपका आ जाएगा फोर और फिर वाई प्लस क्या आ जाएगा टू यानी मल्टीप्लाई करने पर एट और प्लस करने पर सिक्स तो चार दून आठ और चार दो छ ठीक है ये माइनस होगा क्योंकि पहले अगर माइनस होता तो पूरा माइनस ही आता है तो इस प्रकार से यहाँ y के दो वैल्यू मिले y की एक वैल्यू फोर हो सकती है या y की एक वैल्यू क्या हो सकती है टू हो सकती है तो इन दो वैल्यू पे x के भी दो वैल्यू मानेंगे अतः यहाँ पे x इज इक्व टू एट बाई वाई है तो जब यहाँ पे आप x की वैल्यू फोर ले रहे हो तो एट वाई फोर जब लोगे तो x की वैल्यू टू आएगी तथा दूसरा वैल्यू भी एक्स का हो सकता है एट बाई जब वाई की वैल्यू टू लोगे तो टू फोर जा एट तो ये दोनों हो सकता है या तो वाई की वैल्यू जब फोर रहेगा तो एक्स टू आएगा वाई की वैल्यू टू लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा छठे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट यहाँ पे है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्व टू नाइन और यहाँ एक्स प्लस जेड इक्वस टू फाइव हो जाएगा वाई प्लस जेड इक्व टू नाइन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x प्लस चूंकि दोनों आप भी एक दूसरे के इक्वल हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इजी कोस्ट टू नाइन इसे मानेंगे समीकरण एक x प्लस जेड इजी कोस टू आपका क्या हो जाएगा फाइव समीकरण दो और y प्लस जेड इजिक्वॉस टू आपको क्या मिल जाएगा सेवन इसे मानेंगे समीकरण तीन तो यहाँ से एक्स वाई जेड की आपको क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है तो आप समीकरण दो और तीन को पहले शार कर लीजिए लिख लीजिए समीकरण दो व तीन से समीकरण दो व समीकरण तीन से या आप ऐसे भी कर सकते थे यहां किसी एक समीकरण से निकाल के एक्स की वैल्यू जेड के टर्म में या जेड की वैल्यू एक्स के टर्म में तो चलिए जो भी आपको उचित लगे एक्स प्लस जेड इक्व टू फाइव और फिर क्या हम ले रहे हैं y प्लस जेड इज इक्व टू सेवन इन दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए घटा दीजिए क्या लिख देंगे घटाने पे क्योंकि चिन्ह सेम है माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस तो जेड से जेड कट गया आपका एक्स माइनस वाई जी कोस टू देखिए फाइव प्लस है माइनस सेवन है तो क्या बचेगा माइनस टू इसे मान लेंगे इक्वेशन क्या फोर एंड फिर इसी प्रकार से आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को भी क्या करिए सॉल्व कर लीजिए पुनः यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी आप ऐसे भी समीकरण एक और तीन भी ले सकते हैं समीकरण एक व समीकरण दो से और यहाँ क्या लिए थे समीकरण दो और तीन से तो ये है x प्लस वाई प्लस जे डीजी कोस टू नाइन और, और समीकरण दो क्या है x प्लस जे डीजी कोस टू आपका है फाइव यहाँ भी समान चिन्ह है यहाँ भी आपको क्या करना है घटाना है लिख देंगे घटाने पर तो माइनस 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 प्लस होता है तो चिन्ह क्या होता है माइनस देखिए ये जेड प्लस है और जेड माइनस है क्या हो जाएगा कट जाएगा एक्स से एक्स क्या हो गया कट गया तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी वाई की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल गया नौ में से पाँच को घटाएंगे तो चार वाई की वैल्यू आपका क्या आ गया चार आ गया अब इसकी सहायता से आपको क्या करना है इसकी सहायता से एक्स और क्या निकाल लेना है आपको जेड तो वाई की वैल्यू लिख दीजिए समीकरण चार में रखने पर या यहाँ लिख लीजिए समीकरण चार से समीकरण चार से समीकरण चार आपका क्या है एक्स माइनस वाईज इक्व टू माइनस टू तो वैल्यू रख दीजिए वाई की वैल्यू हमने निकाला का फोर इज टू माइनस क्या है टू तो एक्स इज टू माइनस टू माइनस उधर गया प्लस यानी एक्स की वैल्यू आपका क्या आ गया एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गया टू ठीक है एक्स की वैल्यू आ गया टू अब फिर कोई भी समीकरण ले लीजिए चाहे एक दो या तीन तो दो या तीन सबसे आसान है तो पुनः लिखेंगे पुनः समीकरण दो से कहाँ से पुनः समीकरण दो से समीकरण दो आपका क्या है x प्लस जेड इज इक्व टू फाइव तो दो आप निकाल चुके हैं x की वैल्यू दो प्लस जेड इज इक्व टू फाइव यानी z इज इक्व टू फाइव प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस यानी कि यहाँ से z की वैल्यू आपका क्या आ गया थ्री तो देखिए ये सारी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवन भी इसी प्रकार से है यहाँ आपको दिया है समीकरण दो आभियु एक दूसरे के इक्वल हैं यहाँ से आपको कह रहा है ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करने हैं तो लिख लेंगे यहाँ पे देखिए दो आभियु एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा ए माइनस बी यानी देखिए पहला एलिमेंट इधर का पहला एलिमेंट इधर ये हो जाएगा माइनस आपका क्या मिलेगा वन इसे मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट टू ए प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव तो लिख देंगे टू ए प्लस सी इज इक्व टू फाइव इक्वेशन सेकेंड फिर ये एलिमेंट ए ज़ीरो के इक्वल है यानी टू ए माइनस बी इज इक्व टू जीरो तो यहाँ से एक काम करिए बी की वैल्यू ए के टर्म में फाइंड कर लिए तो क्या आ गया टू ए इज इक्व टू बी इसे मान लीजिए इक्वेशन थ्री एंड फिर क्या होगा थ्री सी प्लस डी इज टू हो जाएगा थर्टीन क्योंकि ए एलिमेंट थर्टीन के इक्वल है इसे मान लीजिए इक्वेशन फोर तो लिख देंगे समीकरण एक से कहाँ से समीकरण एक से समीकरण ए आप ध्यान से देखिए क्या दे रखा है ए माइनस बी इज इक्व टू दिया है माइनस वन और यहाँ इक्वेशन थ्री में b की वैल्यू क्या है टू ए बी की वैल्यू क्या है टू ए यानी कि a माइनस टू ए इज इक्व टू माइनस वन दिस इम्प्लाइज टू ए में से a को सबेक करेंगे माइनस ए इज इक्व टू माइनस वन यानी कि a की वैल्यू आपको क्या इजिली मिल गया a की वैल्यू मिल गया वन अब इस वैल्यू की सहायता से बन अन्य वैल्यू आप निकाल लेंगे पुनः लिखेंगे समीकरण तीन से समीकरण किस से तीन से समीकरण तीन में आप क्या देख रहे हैं कि टू ए इज इक्व टू बी है क्या है टू ए इज इक्व टू बी है तो इस अनुसार बी इज इक्व टू टू इन टू वन यानी कि बी की वैल्यू क्या आ गया टू ए और बी निकल गया बाकी आप वैल्यूज रख रख के निकालते जाइए समीकरण कहाँ से लिख लेंगे समीकरण दो से आपको किसी भी तरीके से कोई भी मेथड अप्लाई करके ए बी सी निकाल देना है तो समीकरण दो आपका क्या है टू ए प्लस सी जी कोस टू फाइव तो इसमें आपको वैल्यू रख देना है किसका ए का ए की वैल्यू निकाल रखे हैं आपने सी जीव टू फाइव तो सी जीवस टू फाइव टू वन जो टू प्लस इधर आएगा माइनस यहाँ देखिए सी की वैल्यू क्या आ गया सी की वैल्यू आ गया थ्री तो ए बी सी निकल गया लास्ट आपको क्या बचा डी तो समीकरण कहाँ है डी देख रहे हैं कि समीकरण सीधे किस में है चार में है थ्री सी प्लस डी इक्व टू थर्टी तो समीकरण चार से लिख देंगे लिख देंगे समीकरण चार से समीकरण चार आपका है थ्री सी प्लस डी इज इक्व टू थर्टीन वैल्यू रख दीजिए थ्री इन टू थ्री प्लस डी इज इक्व टू थर्टीन तो d की वैल्यू आपका हो जाएगा तेरह और तीन त्री की नौ प्लस प्लस है उधर जाएगा माइनस यानी d की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा तेरह से नौ को घटाएंगे चार तो देखिए सिंपली आपको ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड हो गया क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं इस एक्सरसाइज में तीन क्वेश्चन और हैं टेन तीनों बहुविकल्पी हैं देखते हैं ए कह रहा है है एक वर्ग कब होता है? तो वर्ग आबियु तब होता है जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती M, e क्या होता? N. है यानी जब एम क्वेश्चन नंबर नाइन है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए अबियोग के निम्नलिखित युग्म समान है तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा क्यों क्योंकि x की दो वैल्यूज इसमें मिलेंगे देखिए थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वस टू जीरो है तब भी यहाँ से आपको x की वैल्यू मिलेगा और टू एक्स माइनस थ्री एक्स इक्व टू फोर को जब करेंगे यहाँ दोनों युग्म समान है मतलब बीच में इक्वल होगा तो ये एक्स की दो वैल्यू आएगी जो कि पॉसिबल है एक ही क्वेश्चन में एक्स के दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन तीन गुड़े तीन कोटि के ऐसे आप की युक युक कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टियाँ जीरो या वन है तो सबसे पहले अगर अवयवों की संख्या देखेंगे तीन गुड़े तीन में ये एम है आपका यान है तो तीन तरीके नौ टोटल कितने होंगे अवयव नौ होंगे तो कह रहा है इन नौ अवयवों की जगह पे एक बार जीरो रखना है सभी की जगह पे और एक बार फिर क्या रखना है वन रखना है तो इस प्रकार से टोटल अवयवों की संख्या हो जाएगा नाइन टू दी पावर टू क्या हो जाएगा नाइन टू दी पावर टू जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइव हंड्रेड ट्वेल्व अर्थात इसमें ऑप्शन डी आपका क्या आ जाएगा सही ऐसे कभी भी अगर एक और प्रविष्टि करता तो उस पर पावर कितना लगा देते जितने एलिमेंट होंगे उस पर पावर वो लगा देते हैं तो आई होप आपको इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू